बैट हम लोग आवाज़ जैसे ये बॉलिंग करने से आवाज़ आ रही ना, तो उसको हम लोग फोकस करके मालूम पर लगाते हैं कि ऑफ में आ रहा है लेग में आ रहा है, उस तरह से भी खेलते हैं आवाज़ के अनुसार। तो हम लोग खेलते हैं ऑनलाइन क्रिकेट में, इसमें जो है जो साइकिल का एक चारा जो होता है दिखाई आवाज़ कर रहा है। और अभी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो इंडिया होस्ट कर रही है 11 कंट्री को। उसके बाद अपने देश के लिए भी खेला था मैं USA जा करके, जो वहाँ से 2 गोल्ड मेडल भी लाया था। हमें खुशी है सर, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलती है इस बात के लिए। झारखंड के सुजीत मुंडा T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, क्या हुआ चौंक गए। दरअसल राजधानी रांची स्थित धुरवा के रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन लाइन T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है। सुजीत मुंडा और 17 सदस्यीय टीम इंडिया का हिस्सा है, जिन्हें 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है। सुजीत मुंडा तेज गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए रन भी बना सकते हैं। सुजीत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बीते 8 साल में सुजीत कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं, अब वर्ल्ड कप खेलेंगे। वही आपको बता दें कि सुजीत की पत्नी भी क्रिकेट प्लेयर रह चुकी हैं। हालांकि अभी वह नहीं खेलती है, उनका कहना था कि हम अपने पति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कामयाबी पर देखना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को यह जानना था कि सुजीत देख नहीं पाते तो कैसे खेलेंगे, कैसे बोल पकड़ेंगे। तो इस पर GN भारत की टीम ने सुजीत से जब सवाल किया तो देखिए कैसे वह खेलते हैं, कैसे वो बॉल पकड़ते हैं, सारी जानकारी दिया। सर आवाज के अनुसार तो लोग खेलते हैं ऑनलाइन क्रिकेट में। मतलब बॉल में क्या ऐसा चीज है कि आपको समझ में आता है कि इसमें जो है जो साइकिल का एक चारा जो होता है दिखाई थोड़ा बॉल दिखाई ये आवाज कर रहा है। इसके अंदर करीबन मान के चलिए 20 से 22 छर्रे होंगे जी, इसी हिसाब से आप पकड़ते हैं। तो इससे जो है आवाज करते हैं तो हम लोग आवाज को फोकस करते हैं। अच्छा, और बैट कैसे बैटिंग कैसे करते हैं? बैट हम लोग आवाज जैसे ये बॉलिंग करने से आवाज आ रही ना, तो उसको हम लोग फोकस करके मालूम पर लगाते हैं कि ऑफ में आ रहा है लेग में आ रहा है, उस तरह से भी खेलते हैं। इसका कोई ट्रेनिंग भी होता है क्या सिखाने का? इसका कोचिंग चलता है सर बेंगलोर में, या तो फिर हमारे स्टेट में देखा जाए तो जमशेदपुर में। अच्छा, तो आप कहाँ किए? हम दोनों जगह किए, जमशेदपुर और बेंगलोर दोनों जगह। कितना कब से आप खेल रहे हैं? हम 2014 से खेल रहे हैं, अपने स्टेट के लिए मिनिमम 3 साल खेले। उसके बाद जो है 2018 में इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो उस टाइम हमारा क्या बोलेंगे कोविड की वजह से जो है पोस्टपोन्ड हो गया था। उसके बाद साथ ही साथ 2020 2021 2022 लगातार मैंने इंडिया के लिए खेला। और अभी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो इंडिया होस्ट कर रही है 11 कंट्री को, तो अभी उनका तैयारी चल रहा है। कैसा लग रहा है आपका चयन हुआ है T20 वर्ल्ड कप में? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें ये मौका मिला है इंडिया के लिए खेलने के लिए, और हम जरूर अपना देश और अपने स्टेट के लिए नाम रोशन करेंगे और इंडिया कप लाएंगे। अच्छा, सबको बोला जाता है कि किसी के पीछे किसी का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ? हमारे पीछे बस हमारे परिवार का हाथ बहुत बड़ा रहा, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और अभी से ही नहीं, एक शुरू से ही पढ़ने जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम से ही बहुत सपोर्ट रहा हमारा परिवार का, और अभी भी है। अच्छा, तो इसी फील्ड में आप शुरू से ही खेलते आ रहे हैं? इसी फील्ड में, शायद शायद आप JSC ग्राउंड का जस्ट बगल में जो देख रहे हैं पर्वत राय स्कूल के ग्राउंड, तो JSC ग्राउंड में भी आप जाते हैं? हाँ, कभी कभार हम लोग वहाँ जाते हैं। फिर मैं कौन जो देख रहे हो डोरेंडा वाला, तो वहाँ पर भी हमारा चलता है, कुछ टूर्नामेंट भी वहाँ हुआ है। अच्छा, तो आप किसी से मिले हैं, जैसे मुख्यमंत्री से या फिर किसी से? मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एथलेटिक्स करके आया था 2005 से 2011 तक मैं एथलेटिक्स खेला था, और उसके बाद अपने देश के लिए भी खेला था मैं USA जा करके, जो वहाँ से 2 गोल्ड मेडल भी लाया था। तो उस टाइम मेरा आशाएं थी कि शायद मैं अपने CM से मिले पाऊँगा, पर मतलब बाई चांस नहीं मिल पाया। फिर अभी जो क्रिकेट में मैं आया, तो अभी मुझे बोला देखा जाए तो कोशिश है कि CM साहब हमसे मिलेंगे। अच्छा। और अभी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है उनके तक बात पहुंच रही है, तो संभवतः वो मिलेंगे ज़रूर। क्या आपका दिनचर्या क्या रहता है, सुबह से क्या करते हैं? सुबह तो हमारा वर्कआउट रहता है, फिर अभी तो करीबन 1.5 महीना के बाद, मतलब 1.5 महीना हमारा रेगुलर प्रैक्टिस चला बाहर में ही, अभी 2-3 दिन हो रही घर पे आया हुआ है, उसके बाद तो सारे मीडिया के साथ ही। अच्छा, तो आप ये इसका इसमें छड़क कैसे डाला जाता है या फिर बॉल बना? ये बन करके आता है, ये बनता है स्पेशलिस्ट में देखा जाए ना। अच्छा। दो जगह बनता है, एक मुंबई में और एक देहरादून में। अच्छा। वहाँ पे ये बन करके आता है। अच्छा, आप बात बताइए आपके पति का
खुशी है सर, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, इस बात के लिए दुख है। क्योंकि अन्य खिलाड़ियों को, जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों को सारा कुछ मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको घर मिलता है, लेकिन ये नेत्रहीन है। लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद भी इतना आगे बढ़े हैं और इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसी को भी निराशा होना पड़ता है। झारखंड का नाम रोशन करे और हमेशा आगे रहे और हर एक चीज़ों में वो आगे हैं और ऑलराउंडर है। आप भी खेलते? जी, हम खेलते थे जब स्कूल गए थे, ब्लाइंड स्कूल यहाँ बहु बाजार में है, संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय करके है, उस स्कूल में 2004 में गई थी। उसके बाद फिर एथलेटिक्स करती थी, हम लोग दोनों ही एथलेटिक्स करते थे। उसके बाद फिर एक साथ प्रैक्टिस होती थी, एक साथ खेलने ही जाते थे लड़की लड़कियां। उसके बाद फिर हमने शादी हो गई तो फिर हमने छोड़ दिया। पैसा कहाँ से आता है जी? पैसा तो हम लोग का जो विकलांग पेंशन है वो उसी से घर चलाते हैं, दोनों का हजार हजार रुपया मिलता है। नहीं चलता है लेकिन क्या करें, कभी कभी ये नहीं रहता है तो घर में माठ साग, वही सूखा हुआ साग रहता है, उसी सब से बना के खिलाते हैं बच्चों लोग को और खुद खाते हैं। कितना बच्चा? दो बच्चे हैं। वो ठीक है, वो भी खिलाड़ी बने और आगे जाके कुछ करे। उनको भी सपोर्ट करते हैं कि तुम लोग भी अपना पापा की तरह अच्छा से पढ़ाई करो और जो कुछ भी खिलाया जाता है उस सारे कुछ में भाग लो। जी नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं मिली है सर। जी चाहते तो हैं कि हमसे मिले और हम लोगों का सपोर्ट करें। शरीर को फ्री करते हैं, फ्री प्रैक्टिस में लग जाते हैं। प्रैक्टिस करते हैं दिन भर तो नहीं करते हैं लेकिन करते हैं अपना प्रैक्टिस। आप उनको कब से जान रही हैं? जब से शादी हुआ तब से जान रही हैं? जी नहीं, हम लोग दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे स्कूल में, इसलिए उस टाइम से वो जब उनका 2005 में एडमिशन हुआ था तब से जानते थे, लेकिन उस टाइम हम लोगों का लव नहीं चलता था। उनका रुचि था कि एथलेटिक्स थे पहले और वो 2005 से लेकर 2011 तक खेले हैं और वो नेशनल लेवल पे वहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, उसके बाद वहाँ से 2 गोल्ड मेडल लाए थे। उसके बावजूद भी हमारे झारखंड सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, वो उनको बुलाया गया था लेकिन वो आएंगे बोले थे लेकिन नहीं आए और उनको सपोर्ट नहीं मिला। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनीता दिग्गा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।